ये अभी NH-18 का ब्रिज है, ये अभी गिर गया है। इतना सारा आदमी मर गया, इसमें से हम कई आदमी को हम लोग निकाले हैं। बड़ी खबर बिहार तो सामने आ रही है, जिथे के एक पोड़ है जो थल्ले डिग गया, जिस दे नाल एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कई मजदूरों के जख्मी होने की खबर है जो सामने आई है। सो दस दिए कि बिहार के सुपौल तो यह वड्डी खबर सामने आ रही है, जिथे कोसी नदी से बन रहे देश के सब से वड्डे सड़क पुल का एक हिस्सा है जो डिग गया अते इस दे नाल है जो एक मजदूर की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी दसे जा रहे हैं। बेहद ही मंदभागी खबर है जो तुसी सिटी होम न्यूज़ से इस खबर को वेख रहे हो कि ये किन्नी वड्डी खबर जो इतों दिखा रहे हैं असी कि इस घटना के विच एक मजदूर की मौत हो गई है ते कई लोग जख्मी ने। सो जो काम कर रहे सी लोग वो मौके तो उतों की फरार हो गए, पर वड्डी खबर है सवेरे तक सार ही 7 बजे इन्नी वड्डी घटना वापरी, एक गाडर है जो थले डिग गया जिस दे नाल एक मजदूर की मौत हो गई है ते होर कई लोग जख्मी दसे जा रहे हैं। सो ये भी दस दिए कि 1200 करोड़ की लागत के नाल इसका काम किया जा रहा है, तो एक एजेंसी है जो इसका काम कर रही है, पर बेहद ही मंदभागी खबर है जो बिहार के सुपौल में वापरी है, जिथे कि एक मजदूर की मौत हो गई है, तो मौके पर ही जब यह पुल डिग गया तो चीख चिहाड़ा मच गया। ये NH-18 नंबर रोड है, ये बिहार का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है, जिसमें से ये पिलर सिगमेंट लगा रहा था, खड़ा कर रहा था, इसके कारण कुछ इंजीनियरिंग का टेक्निकल इशू के कारण से ये सिगमेंट गिर गया और एम्बुलेंस कंपनी का अभी तक कोई भी एम्बुलेंस नहीं आया है। यहाँ पे हमारा जितने भी है सब ग्रामीण लोग हैं, ये सब निकाले हैं, हम लोग निकाले अपने आँख से वर्तमान देखे, अभी खेल रहे थे हम लोग क्रिकेट ये बालू पे तो देखे हैं, अभी हम ही लोग उसको निकाले, हमारा ग्रामीण लोग निकाला है और अभी तक कोई भी कंपनी का सुरक्षा या कोई भी एम्बुलेंस अभी तक नहीं आया है।